हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टर जीरो रिव्यू। मैं हूं मिस्टर जीरो। और अगर आपने कहावत सुनी है या नहीं मुझे नहीं पता, कहावत है कि फटने से पहले ही लोग जो है अपने सिलाई का सामान लेकर के तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी बहुत ही बुरी तरह से फटने वाली है। नहीं समझ में आया, समझाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ कुली नंबर 1 के ट्रेलर एंड मूवी के बारे में। भाई, मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेलर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी के अंदर में क्या दिखाया जाने वाला है। देखो यार, जब भी कुली नंबर 1 के बारे में बात आती है ना दिमाग में, तो सबसे पहला दिमाग में कौन आता पता है? गोविंदा, उसके अलावा आमिर खान और शक्ति कपूर, ये सारे लोग सबसे पहले ध्यान में आते हैं कि वो कहानी जो थी और वो जो कॉमेडी थी ना भाई, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। नो डाउट कि उस मूवी को वरुण धवन के डैड डेविड धवन ने ही बनाया था, पर इस बार जो है वरुण धवन के जो डैड है ना, वो कुछ अलग करने का सोच रहे हैं। और अलग इस बार से नहीं कर रहे, इससे पहले भी इन्होंने ट्राई किया था, जैसे मैं तेरा हीरो, इसके अलावा जुड़वा। और ये सारी चीज़ों को देख करके इतना समझ में आया कि बहुत ही बुरी तरह से 36 का आंकड़ा बना चुके हैं अपने डेविड धवन साहब और गोविंदा के बीच में। भाई, गोविंदा को ज़रा भी यहाँ पे भाव नहीं दिया गया है। यानी आप जब ट्रेलर के अंदर में देखोगे, वरुण धवन जिस तरह से बात कर रहे, जिस तरह से मिमिक्री कर रहे हैं मिथुन दा की, वो भाई हिलेरियस किसी एंगल से नहीं है। क्यों नहीं है बता दूँ? क्योंकि उस टाइम में जो गोविंदा ने काम किया था ना, वो किसी और को बता रहे थे कुछ करते हुए। क्या करते हुए बता रहे थे पता है? कि भाई एक है कुली और दूसरा जो है वो बहुत ही बड़ा करोड़पति है, जो कि फेक रहता है। नो डाउट यहाँ पे भी वही होने वाला है, सेम स्टोरी है, सब कुछ सेम है, यहाँ तक के गाना भी सेम टू सेम उठा करके छाप दिया गया है। अब अगर सोच रहे हो कि यार सेम डायरेक्टर है तो बहुत मजा आने वाला, बिल्कुल भी नहीं। देखो, गोविंदा को रिप्लेस किया वरुण धवन से, शक्ति कपूर को रिप्लेस किया राजपाल यादव से। राजपाल यादव बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही मिस कर रहे थे उनको, लेकिन इनको देख करके ये समझ में आ गया है कि अभी डेविड धवन की जो भी फिल्में होंगी उसके अंदर में एज अ कॉमेडियन इनको भी लिया जाएगा, राजपाल यादव को। साथ ही साथ अब कहाँ पे कादर खान साहब थे, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बोलो या फिर कोई भी इमोशनल डायलॉग बोलो, हर चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थे। लेकिन यहाँ पे मुझे परफेक्ट किसी भी एंगल से नहीं लग रहे, क्योंकि परेश रावल ने उनका जगह लिया है। उनको देख करके स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि कुछ खास होने वाला है, उनको लिया है फिल्म के अंदर में, मतलब बहुत ही अलग कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है बॉस। क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखोगे कि वो कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छा एक अपना ऑरा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनको देख करके ऐसा लगता है कि इस फिल्म के अंदर में पूरी तरह से वेस्ट किया गया है। अब बात करते हैं सारा अली खान की। तो भाई, इनकी एक्टिंग के बारे में तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, और इनको क्यों मूवी के अंदर में लिया गया वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीने से यही सब चल रहा है, जब से कोरोना हुआ है। कोरोना के बाद में जो है, जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, तब से बस नेपोटिज्म चल रहा है। तो मुझे उस टॉपिक पर घुसना नहीं, आपको समझ में आ गया होगा क्यों और क्या है, किस तरह से उसको लिया गया है। लेकिन यार, क्या ये जस्टिफाई है कि जितनी भी गोविंदा की फिल्में हैं उन सारी फिल्मों को उठा करके आप यहाँ पर डाल रहे हो और इसमें वरुण धवन को गोविंदा बनाने की कोशिश कर रहे हो? ओवर एक्टिंग की दुकान है, टैलेंटेड भले से हो लेकिन यार ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा कर जाते हो। मेरे लिए ये मूवी को देखना मतलब समझो वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर भी यार रिव्यू देने की कोशिश करूँगा, मूवी देखने की कोशिश करूँगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम में किया था, पर हुआ नहीं। आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट, लेकिन आई विल ट्राई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो एक जगह पे हो गई कि ये ट्रेलर की बात थी, मूवी की बात थी। अब बात करते हैं कि भाई थिएटर ऑन होने के बावजूद भी इस फिल्म को जो है क्यों रिलीज़ किया जा रहा है OTT पे। तो मैंने जो स्टार्टिंग में डायलॉग मारा था कि फटने से पहले ही सुई और धागे का मतलब सिलाई की तैयारी करके रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। देखो, एक तो इस फिल्म को OTT पे रिलीज़ किया जा रहा है, दूसरा इस ट्रेलर को जब रिलीज़ किया गया तो इसका लाइक एंड डिसलाइक बटन को ऑफ कर दिया गया, मतलब फाड़ होने वाली है, लोगों की रिप्लाई जो है ना ये लोग झेल नहीं पाने वाले हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर के लोग अपना निकाल रहे भड़ास, दैट्स वेल एंड गुड। तो ठीक है यार, आप देखो आपको क्या लगता है, आप भी प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन पर बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन एंड अस्ता ला विस्ता।